आगामी वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों में अधिक से अधिक मतदान हो, उसके लिए शासन प्रशासन हर तरह के प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मतदाताओं की ईवीएम मशीन की जानकारी देने और उन्हें मतदान की पारदर्शिता के साथ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से जिला मुख्यालय से प्रत्येक विधानसभा में ईवीएम मशीन और वीवीपैट के साथ दो दो ट्रेनरों को मोबाइल वैन के साथ गांव-गांव भेजा जा रहा है। इस संबंध में इस अभियान के इंचार्ज स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर दीनदयाल ने विस्तार से जानकारी दी। आज जो है ईवीएम वीवीपैट मोबाइल वैनों को डीएम सन ने रवाना किया है, जिसमें आपका टोटल 5 विधानसभा हैं। 25 तारीख तक, 25 दिसंबर तक जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए विशेषकर चलाया गया है और ग्रामीणों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी वैन जाएंगी और एक दिन में 3 वैनों को रवाना किया गया है। पहले राउंड में माठ तहसील, छात्र आपका बलदेव और मथुरा, इनको कवर किया है। मथुरा को 7 दिन के अंदर कवर करना है, इसी तरह से माठ को 16 दिन के अंदर अंतर्गत कवर करना है और इसी तरह से बलदेव को 11 दिन के अंदर, जो जितनी ज़्यादा वोटिंग है उसी के अनुसार उसको डिवाइड करके हमने कवर करने का प्लान रखा है, जिसमें हमारी टीम में हमने दो दो लोगों को मास्टर ट्रेनरों को डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनरों को लगाया गया है और वो वहाँ पर जाकर के लोगों को ये जागरूक करेंगे कि आपका उनके द्वारा जब भी वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के उन्हें ये देखना है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उनके लिए वैलेट इशू किया है, वास्तव में वो इशू हो गया है या नहीं हो गया। उन्हें वीवीपैट पर जाकर के बैलेट यूनिट पर ग्रीन लाइट को देखना है, जहाँ पर चुनाव चिन्ह दिए हुए हैं, बटन दिए हुए हैं, उनके ऊपर ग्रीन लाइट है। यदि उन्हें मिलती है तो उसका मतलब वो समझ लें आपका बैलेट इशू आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोट डालने के लिए कर दिया है। उन्हें कैसे ये डिसाइड होगा, उन्हें कैसे कन्फर्म होगा कि आपका उनके द्वारा डाला हुआ मत बटन के द्वारा डल चुका है या डल आपका या नहीं डला है। जिस भी चुनाव चिन्ह पर, जिस भी सीरियल पर वो वोट डालेंगे, उसके बटन जैसे ही दबाएंगे, बटन के सामने एरो का चिन्ह दिया है वो रेड कलर का हो जाएगा, तो वो ये कन्फर्म उन्हें हो जाएगा कि उनके द्वारा डाला हुआ बट आपका वोट दब चुका है और दबने के बाद वो फीड हुआ है या नहीं, ये पर्ची में कटा है नहीं। तुरंत जैसे ही वीवीपैट पर चुनाव चिन्ह की बटन को वो दबा देंगे, दबाने के तुरंत बाद वीवीपैट की स्क्रीन पर जाएंगे, वीवीपैट की स्क्रीन में आपका उनके द्वारा चुनाव चिन्ह का सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह और डेट सहित की पर्ची वीवीपैट की स्क्रीन पर 7 सेकंड के लिए रुकेगी और 7 सेकंड बाद वो गिर जाती है, तो वो उन्हें कंफर्म हो जाएगा वीवीपैट के अंदर उनके द्वारा डाला हुआ मत जो है डल चुका है।